क्या आप भी हो गए हैं रोज की सब्जी से बोर? क्या नहीं आ पाता है आपकी रोज की सब्जियों में स्वाद? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल मैगी का मसाला ए मैजिक की सीक्रेट रेसिपी। बिल्कुल मसाला ए मैजिक जैसा आपका मसाला तैयार होगा, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी कलर, बिना किसी एडिटिव्स। अब आपकी हर रोजमर्रा की सब्जी में भी जा जाएगा 100 गुना ज्यादा स्वाद। और किसी भी सब्जी में बस इस मसाले को डालिए, आपकी तुरंत से सब्जी तैयार। तो चलिए आज जानते हैं ये सीक्रेट रेसिपी मसाला ए मैजिक की। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप एक पैन चढ़ाइए, गैस को ऑन कीजिए, फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए। सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट करने होंगे कुछ मसाले, यानी सूखे मसालों को हल्का भुनना होगा। तो उसको हमें किसी तेल में नहीं भुनना, बिल्कुल सूखा भुनना है। तो ये 4 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है मैंने। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, कोई भी चीज जले नहीं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना। चम्मच का जो नाप है वो मैंने इस तरह लिया है, ये बड़ी चम्मच के रूप में लिया है और ये छोटी। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सबके पास घर में मेजरमेंट के लिए आसानी हो जाए और सभी के घर में ये चम्मचें होती हैं, तो आप इसी हिसाब से लें। 1 बड़ी चम्मच और छोटी चम्मच। 1 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़े चम्मच सौंफ, और ये मैंने कुछ लिए हैं साबुत खड़े मसाले, जिसमें मैंने ली है 6 लौंग, 4 इलायची हरी वाली, 1 इंच मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च। सभी चीजें बहुत ही बढ़िया स्वाद जगाएंगी आपकी सब्जियों में, क्योंकि जो मैगी का मसाला है मैजिक होता है, मेनली उसमें जो खुशबू होती है खड़े मसाले की, साबुत पिसे फ्रेश मसालों की, वही आती है। तो हमें सबसे पहले इनको भूनना होगा। और ये मैंने लिया है 3 लाल मिर्च ली है, आप 2 या 3 ले सकते हैं, 2 तेज पत्ता। सभी चीजों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भुनेंगे, जिससे इसमें बढ़िया खुशबू आ जाए और हमारे मसाले की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। इस तरीके से लगातार चलाते हुए पूरे मसाले को, जब तक इसमें बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे, आप इसे भून लें। बहुत ज्यादा हमें नहीं जलाना है, बस हल्का सुनहरा होने तक कि हम इसे पीस पाए अच्छे से। और अब इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सभी खड़े मसाले परफेक्ट हमारे भुन गए हैं। मात्र आधा ही मिनट हमें इसको भुनना है, उसी में ये बढ़िया भुन जाते हैं। तो गैस को ऑफ करते हैं और इन मसालों को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब लेते हैं 1 ग्राइंडिंग जार, उसमें हम डालेंगे जिस मसाले को भी हमने भुना था, सारा इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और अब हम डालेंगे असली कुछ मैजिक मसाले, जो इस मसाले को देंगे एकदम स्पेशल स्वाद और बन जाएगा ये मसाला है मैजिक। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अनियन पाउडर, यानी प्याज का पाउडर। इजीली ये मार्केट में अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी दे दूंगी। आप डालें अनियन पाउडर। अगर आप प्याज या लहसुन नहीं खाते हैं तो इन 2 चीजों को आप यहाँ पे ना डालें। 1 बड़ी चम्मच हमें डालना होगा गार्लिक पाउडर, यानी लहसुन का पाउडर। ये सभी चीजें मिल जाती हैं बहुत ही इजीली। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़े चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आप सादा वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च, जिसे आप कॉर्न फ्लावर भी बोलते हैं, ये भी सभी सुपर स्टोर पे इजीली मिल जाता है। कॉर्न स्टार्च आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही मसाला बनेगा। 1 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर, जिसे आप ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। बिल्कुल लास्ट में हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच चीनी का पाउडर। चीनी को मिक्सी में पीस कर इस तरह से पाउडर बना लें। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन जो बाजार में मसाला ही मैजिक मिलता है उसमें ये होता है। अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। सभी चीजों को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। वाव, और ये देखिए पूरे किचन में खुशबू महक रही है इस मैजिक मसाले की। तो चलिए अब इसे निकालते हैं। इस मैजिक मसाले को आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं, आराम से ये 6 महीने भी खराब नहीं होता। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख लें तो ये और भी ज्यादा दिन चल जाएगा। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है मैगी वाला मसाला ए मैजिक। जगाइए मैजिक अपनी हर रोज वाली सब्जी में। बस आप अब जिस तरीके से कोई भी सब्जी बनाते हैं उसको उसी तरह बनाएं, सिर्फ मसाले में
ऊपर से आप इसको डालें और बस तैयार है आपकी बहुत ही लाजवाब और लजीज एकदम स्वादिष्ट सब्जी। ये मसाला बिल्कुल वही मसाला है जो आप मार्केट से मसाला ये मैजिक खरीदते हैं। तो बस आपकी अब हर सब्जी बनेगी बेहद स्वादिष्ट, और अब बच्चे हो या बड़े कोई नहीं बनाएगा कोई भी बहाने, बहुत बहुत बढ़िया बनता है। अब इस मसाले को किसी भी ग्रेवी में, किसी भी करी में, किसी भी सूखी वाली जो सब्जियां बनती है हमारे यहाँ फूल गोभी आलू या बेबी पोटैटो वाली सब्जी, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इससे पुलाव भी बना सकते हैं। जब भी चावल बच जाए बस बचे हुए चावल के ऊपर छिड़किए अपना मैजिक मसाला और देखिए कितने स्वादिष्ट और लजीज आपके मैजिक राइस बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सीक्रेट रेसिपी मसाला ये मैजिक की बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इंतजार करूंगी कि आप भी इसे जरूर बनाएं और मुझे फीडबैक में बताएं कि ये मसाला आपको कैसा लगा। इससे पहले मैं आपके साथ मैगी मसाला की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, जो 2 मिनट्स नूडल आप बनाते हैं उसमें जो मसाला आता है टेस्ट मेकर, उसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।